नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। महोबा में स्वच्छता अभियान के नाम पर हर साल लाखों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। 250 से अधिक कर्मचारियों का फर्जी तरीके से वेतन निकाला जा रहा है। शहर के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। फैली गंदगी की बदबू से आम जनों का निकलना दूभर हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का कहर जारी है। ऐसे में नगर पालिका की लापरवाही शहर में घातक बीमारियों को दावत दे सकती है। नगर पालिका महोबा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि महोबा जिलाधिकारी जिले में स्वच्छता को लेकर सजग नजर आ रही है। जिलाधिकारी क्षेत्र में दौरे के दौरान सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए, मगर लापरवाह अधिकारियों की वजह से शहर के चारों ओर और मुख्य चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू इतनी कि आप वहां से निकल भी नहीं सकते। हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भारी मात्रा में गंदगी का अंबार लगा दिया गया। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न होने से शहर में मच्छरों का आतंक है। स्वच्छता अभियान के तहत तैनात कर्मी लापरवाह बन शहर में बड़ी और मच्छर जनित डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को न्योता दे रही हैं। गंदगी दिखाई दे रही है, जो भी गंदगी है इस पे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार वार्डों का विजिट कर रहे हैं और उसमें पर्याप्त इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। जो नालियाँ हैं उन नालियों की सफाई कराई जा रही है और अभी शासन से भी एक नोडल नामित किए गए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी महोदय आने वाले हैं वो भी, क्योंकि डेंगू का प्रकोप काफ़ी कुछ बढ़ा हुआ है। हालांकि ये शहर में यहाँ पर तो नहीं मतलब यह है, लेकिन अन्य जिलों में है। इस वजह से उस रोकने के लिए ये सफाई का त्वरित अभियान चलाया जा रहा है। सर, मुख्य मार्गों पे सुबह सुबह गंदगी रहती है, सुबह सफाई नहीं हो पाती इसका कारण? हाँ, मुख्य मार्गों पे जो आप जहाँ पर डंप साइट होता होगा वहाँ पर कूड़े इकट्ठा हो जाते हैं, उनको 10 बजे के आसपास वहाँ से पूरा कूड़ा उठवा दिया जाता है। महुआ से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।